एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर देश की बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी नुमाइंदे ही न सिर्फ सरकार के दावों की हवा निकालने में लगे हैं, बल्कि बेटियों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ताज़ा मामला सहारनपुर की राज्य महिला पॉलिटेक्निक का है, जहां प्रिंसिपल की हिटलरशाही सामने आई है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही पॉलिटेक्निकल की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल छात्रावास के साथ साथ शौचालयों की सफाई भी कराती है। खाने में सड़ा गला और कीड़ों वाला खाना दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर छात्राओं को फंसा कर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। प्रिंसिपल की तानाशाही से परेशान होकर छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की है। कि हम यहाँ पे डिप्लोमा करने आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स हमसे काम करवाती हैं। प्रिंसिपल मैम हमसे काम करवाती हैं। वो हमसे सोफे के कवर सही करवाती हैं, झाड़ू मरवाती हैं, पोछा मरवाती हैं, मैस साफ करवाती हैं, बाथरूम हम अपने आप साफ करते हैं, टॉयलेट अपने आप साफ करते हैं। एक लड़की को एसिड लगी उसका हाथ जलाकर, वो उस वक्त पानी नहीं डालती अपने हाथ पे, तो उसकी जहाँ तक कि उसकी हाथ की वो हड्डी भी गल सकती थी। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम इतनी बुरी तरीके से सब बच्चों के संग सदुपयोग करती हैं। तो मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मेरे खाने में मेरे प्लेट में एक दिन कीड़ा निकला था, तो मैंने मैम से कंप्लेंट करने की कोशिश की। तो मैंने, मेरी जूनियर है संध्या, उनसे मैंने फ़ोन मांगा कि मेरा फ़ोन सेकंड हॉस्टल में था, तो मैंने उससे फ़ोन मांगा, मैंने बाबू बोल के उसे फ़ोन मांगा, मैंने उसे टच भी नहीं किया। उसने फ़ोन लाया, मैंने फोटो क्लिक कर ली, फिर मैं मैम को दिखाने जाती थी, तो मैम को ये बात पता चल गया। मैम ने मुझे शाम को 7 बजे बुलाया और मैं जैसे ही गई मुझे थप्पड़ लगा दिया, और मैम ने थप्पड़ लगाने के बाद मुझसे ये बोला कि तुम करेक्टर लैश हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी करियर बर्बाद कर, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला उसने। फिर यहाँ पे जब लाइटिंग साफ करने की बात आती है, तो वो ये बोलती हैं कि तुम सबको साफ करना है तो करो, यहाँ पे कोई बाहर वाला आने वाला नहीं है, हम सबसे घास खुड़ा जाता है यहाँ पे, नहीं तो कोई स्वीपर है। और मेस में 2 टाइम खाना मिलता है, एक तो सुबह के 9 बजे और शाम को 5 बजे, हम सब रात में भूखे रहते हैं। छात्राओं ने हॉस्टल में पीने के गंदे पानी से लेकर कीड़ों वाले खाने की तस्वीरें वायरल कर सबको हैरान कर दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निकल से आई तस्वीरों के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए उल्टा छात्राओं पर ही आरोप लगा दिया। इसमें से एक छात्रा को हॉस्टल में किसी लड़की को डराने के में हटाया गया था, जो भूत भूत की प्रॉब्लम करने के लिए। उसके बाद से इनके एक को लड़की जो है यहाँ नहीं है, शोभना श्रीवास्तव, उसके फादर सारा कुछ कर रहे हैं, और उसी से जो भी है उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि इन्हें कहना पड़ रहा। इसमें से ज़्यादातर तो स्टूडेंट हॉस्टल के भी नहीं भी थे जो खड़े थे। खराब खाना और प्रिंसिपल पर हिटलरशाही का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि छात्राओं के इस आरोप के बाद प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट।